स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है नेशनल हेराल्ड केस में, बड़ा अपडेट, बड़ी खबर। ईडी दफ्तर से निकले राहुल गांधी, आज करीब 4 घंटे तक हुई पूछताछ। ईडी दफ्तर से अपने आवास पहुंचे राहुल गांधी, लंच ब्रेक के बाद फिर ईडी दफ्तर जाएंगे राहुल गांधी। कल राहुल गांधी से करीब 9 घंटे तक हुई थी पूछताछ, यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा। ईडी दफ्तर से निकले राहुल गांधी, आज करीब 4 घंटे तक हुई पूछताछ। ईडी दफ्तर से अपने आवास पहुंचे राहुल गांधी, लंच ब्रेक के बाद फिर ईडी दफ्तर जाएंगे राहुल गांधी। कल राहुल गांधी से करीब 9 घंटे तक हुई थी पूछताछ, यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपडेट बड़ा है। ईडी दफ्तर से राहुल गांधी एक बार फिर से निकल चुके हैं, आज करीब 4 घंटे तक पूछताछ हुई है। ईडी दफ्तर से अपने आवास पहुंचे राहुल गांधी, लंच ब्रेक के बाद फिर ईडी दफ्तर जाएंगे राहुल गांधी। कल राहुल गांधी से करीब 9 घंटे तक हुई थी पूछताछ, यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। नेशनल हेराल्ड केस में बड़ा अपडेट, ईडी दफ्तर से निकले राहुल गांधी, आज करीब 4 घंटे तक हुई पूछताछ। ईडी दफ्तर से अपने आवास पहुंचे राहुल गांधी, लंच ब्रेक के बाद फिर ईडी दफ्तर जाएंगे राहुल गांधी। कल राहुल गांधी से करीब 9 घंटे तक हुई थी पूछताछ, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राहुल गांधी फिलहाल आपको बता दें कि ईडी दफ्तर से रवाना हो चुके हैं, निकल चुके हैं 4 घंटे के आसपास। आज भी पूछताछ हुई है, कल 9 घंटे के आसपास पूछताछ हुई थी। और बताया जा रहा है कि इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, 4 घंटे की पूछताछ के बाद इस वक्त राहुल गांधी ईडी ऑफिस से रवाना हो चुके हैं, निकल चुके हैं। और राहुल गांधी फिलहाल लंच ब्रेक के बाद फिर ईडी दफ्तर जाएंगे राहुल गांधी, यानी लंच के लिए वहां से निकले हैं। लंच करने के बाद दोबारा पहुंच जाएंगे। कल राहुल गांधी से करीब 9 घंटे तक हुई थी पूछताछ, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नेशनल हेराल्ड केस में बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा। ईडी दफ्तर से निकले राहुल गांधी, आज करीब 4 घंटे तक हुई पूछताछ। ईडी दफ्तर से अपने आवास पहुंचे राहुल गांधी, लंच ब्रेक के बाद फिर ईडी दफ्तर जाएंगे राहुल गांधी। कल राहुल गांधी से 9 घंटे के आसपास पूछताछ हुई थी और आज लंच ब्रेक से पहले 4 घंटे के आसपास पूछताछ हुई है। और लंच ब्रेक के बाद भी, यानी लंच करने के बाद दोबारा ईडी दफ्तर पहुंच जाएंगे राहुल गांधी, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। और आज भी पूछताछ अभी चलती रहेगी। तो मनोहर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं लाइव। मनोहर, अभी की अपडेट क्या है? खबर है कि राहुल गांधी ईडी दफ्तर से निकल चुके हैं, दोबारा कब पहुंचेंगे? बिल्कुल संजय, देखिए आज की करीब 4.5 घंटे की जो पूछताछ थी राहुल गांधी की, वो पूरी हो चुकी है। और राहुल गांधी उसके बाद अपने आवास पहुंच चुके हैं, उनके साथ में प्रियंका गांधी भी थी। आवास पर पहुंचने के बाद में जो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल और मुकुल वासनिक, उनसे मिलने गए। और उसके बाद में दोनों नेता है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिस तरीके से थानों में जो डिटेन किए हुए पुलिस कस्टडी में, उनसे मिलने के लिए बदरपुर चले गए। अभी और एक अपडेट आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर हाउस से निकल करके मंदिर मार्ग थाने में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो पुलिस की कस्टडी में है, अटेंड किए हुए हैं, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो कांग्रेस के तमाम सीनियर नेता हैं सुबह से जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई कर रहे हैं, और उनको राहुल गांधी के साथ जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए और उनको पुलिस ने रिटेन किया या पुलिस कस्टडी में लिया, उन लोगों के साथ जा करके उनसे मिल करके उनको खाना खिला करके उनका जो है हौसला बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सब लोग एक साथ हैं और राहुल गांधी के साथ मिलकर के इस संघर्ष में, इस लड़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर अभी तक की अपडेट यह है कि आज जिस तरीके से राहुल गांधी सुबह AICC आए और उसके बाद में तमाम कार्यकर्ताओं को किया और राहुल उनसे मिले, उसके बाद में ईडी के दफ्तर गए। ईडी में करीब आज 4.5 घंटे की पूछताछ है वो पूरी हुई है और कह रहे हैं कि 5 बजे के आसपास वापस जो राहुल गांधी है ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे और दूसरे दौर की वार्ता जो पूछताछ है वो आज की शुरुआत होगी। जिस तरीके से कल करीबन रात को 12 बजे तक उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद जिस तरीके से आज दूसरे दिन फिर बुलाया गया, तो अब आज ऐसी भी संभावना लग रही है कि देर रात तक इनकी पूछताछ चलेगी और हो सकता है कि कल भी फिर उनसे पूछताछ के लिए बुलाया जाए। संजय जी बिल्कुल, अभी क्या लंच ब्रेक के बाद राहुल गांधी वापस पहुंचने वाले हैं, ये खबर कंफर्म है? बिल्कुल संजय, इसमें कोई दोराय नहीं। और एक ये कहा है कि पहले दौर की, आज की दूसरे दिन की पहले दौर की जो है पूछताछ वो पूरी हुई है और उसके बाद लंच ब्रेक जो आज लेट हुआ उनका 3 बजे करीब हुआ, उसके बाद वो अपने आवास पहुंचे हैं। प्रियंका गांधी उनकी बहन साथ थी और वो भोजन करने के बाद में दूसरे दौर की वार्ता के लिए वो वापस ईडी के दफ्तर आएंगे। संजय जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर यह है कि भोजन, यानी दोपहर का भोजन करने के बाद दोबारा ईडी दफ्तर आएंगे और देखना यह है। कल 8 घंटे के आसपास, 9 घंटे के आसपास पूछताछ, आज भी 4 घंटे के आसपास पूछताछ है। मनोहर, ये अब तक कोई जानकारी मिल पाई है कि सवाल क्या पूछे जा रहे हैं? क्या वाकई में सपोर्ट को लेकर जो खबरें सामने आ रही थी कि कुछ सवालों को लेकर थोड़े झिझकते दिखाई दिए थे राहुल गांधी, अभी अंदर की कुछ खबर अगर छनी हो तो?
देखिए सूत्रों का जो हवाले से जो जानकारी मिल रही है संजय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सवाल जिस तरीके कल 50 सवाल पूछे उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी उनके सामने रखे गए, उसके जो हर एक प्रकार से उनके टूर जो थे, उनके एंगेजमेंट थे, उनके संबंध में उनसे पूछा गया कि फला आदमी उस डेट को मिला आपको, उस दिन उसने क्या बात करी, इस संबंध में तमाम किए। और दूसरा कुछ आज ऐसे फैक्ट्स रखे उनके सामने कि इनके आपके पास में क्या कोई प्रूफ हो तो लाइएगा, तो उनसे कुछ तथ्य भी पूछे गए हैं आज के जो पूछताछ में ऐसे सामने आया और सूत्रीय कह रहे हैं। दूसरा जो राहुल गांधी अपने सीनियर नेताओं से कह रहे थे कि कल रात को जिस तरीके से पूछताछ हो रही थी, उनका एक सवाल और दूसरे सवाल के बीच का जो गैप है वो काफ़ी लंबा होता था, क्योंकि अधिकारी है वो उस हिसाब से अपनी कार्यशैली के हिसाब से जो पूछताछ कर रहे थे, तो एक सवाल के बाद में काफ़ी गैप होता था, इस वजह से कि लंबी पूछताछ हुई है। संजय जी बिल्कुल मनोहर, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, राहुल गांधी फिलहाल ईडी दफ्तर से रवाना हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि लंच ब्रेक के बाद दोबारा ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। आज भी 4 घंटे के आसपास पूछताछ हो चुकी है और कल फिलहाल